यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सच बोल रहा तू? हाँ मेरी कसम। अरे कसम से तेरी कसम, ये देख। हैं? ये पैसे दिए उसने मुझे, कहते ही जाके शादी की शॉपिंग करके आ। ओ यार तीफे, ये मौजा कैसे हुआ? यार पहले तो तेरी शादी का सुन के वो आग बबूला हो जाती थी, अब वो दिन नहीं ढलने दे रही, चक्कर क्या? अपने बाप दादा की नस्ल बढ़ाने के लिए कुर्बानी दे रही है वो। वाह उस्ताद वाह, क्या चक्कर चलाया तूने। अरे वजह कोई भी हो, तेरी मन मुराद तो पूरी हो गई ना, अब खुश है तू? अरे यही तो बात है यार, मन की मुराद ही तो पूरी नहीं हुई। तुझे पता है मैं किससे शादी करना चाहता था, अब मेरी शादी किससे करवा रही, मुझे कुछ नहीं बता रही, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ यार? क्यों भाई, तुझे बानू बीबी ने बताया नहीं लड़की कौन है? नहीं यार, इसी बात की तो टेंशन है। तुझे तो पता है मैं नूर को पाने के ख्वाब देखता था, और वो पता नहीं किसको चुन लिया उसने मेरे लिए। तू बेवा ना हो यार। बेवा? हाँ तो ठीक है ना, बेवा में क्या बुराई है भाई, तुझे तो औलाद से गर्ज है ना, बेवा हो या कोई भी। वैसे बानो बीबी ने ना तुझ पे शराइत लगा के तेरे हाथ पैर बांध दिए, अब तू नूर को भूल जा मेरे भाई, और जो मिल रहा है ना उसी में गुजारा कर। यही करना पड़ेगा, गुजारा ही करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रख, मैं नूर को कभी नहीं बोलूंगा, उससे तो मैं कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। तूने ठीक कहा था, तूने कहा था ना तीसरी शादी के लिए, अब मैं तीसरी शादी नूर से करूँ। चल ठीक है यार, चलते हैं कहीं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, तेरे लिए कपड़े लेते हैं। ओ भाई लतीफ साहब का निकाह है, कोई मजाक नहीं है। चल आ जा।